आपको मिलाते हैं आपके नगर सेवक से। जी हाँ, शिवसेना शहर प्रमुख व पैनल क्रमांक 10 के नगर सेवक राजेंद्र चौधरी से। आज हमारे साथ हैं शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, जिनके पैनल नंबर 10 को स्वच्छता अभियान में पहला पुरस्कार मिला। आइए उनसे जानते हैं कि स्वच्छता अभियान में पहला पुरस्कार लाने के लिए उन्होंने क्या विशेष परिश्रम किए। उल्लासनगर महानगर पालिका ने स्वच्छ अभियान का घोषित किया, उस वक्त उन्होंने जो जो कंडीशन रखी थी, कम से कम 10 बार पैनल में नागरिकों को एक साथ में लेकर और नगर सेवक नगर सेविका को साथ में लेकर 10 जगह पर आपने साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी उन्होंने जो कंडीशन रखी थी, पैनल सफाई इस तरह के से होगा तो ही उसको ये स्पर्धा में इसमें हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो वैसे सब जो जो उन्होंने क्लॉज दिए थे, जो जो उन्होंने प्रश्न दिए थे, उसका जवाब देने का काम, मतलब जवाब और वो काम के माध्यम से हमने जवाब दिया। प्लास्टिक बंदी का अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए, प्लास्टिक बंदी करो, प्लास्टिक बंद होना चाहिए, उसके लिए हमारी जो कपड़ा है उसकी थैलियाँ लोगों में बांटी। स्वच्छ भारत अभियान कैसा होता है, उल्लासनगर में जो संस्था है वो एनजीओस है, उनको साथ में लेकर हमने सफाई का काम शुरू किया। दीवारों पे कलर लगाना, उसमें जो एडवर्टाइजिंग करना स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, यहाँ पर कचरा मत डालो, सूखा कचरा गीला कचरा अलग करना, साथ ही साथ में नुक्कड़ ड्रामा करके जो लोगों में अवेयरनेस लाने का कोशिश हमने किया, साथ ही साथ में गीला कचरा सूखा कचरा जो कंपोस्टिंग करने के लिए भेजा गया था उसका सब डिटेल्स जो हमने हमारे पास रखा, और वो सूखा गीला कचरा अलग जाना चाहिए वो भी काम हमने किया। और जब जितने जितने क्वेश्चन थे वो सबको हम लोग ने जवाब देते गए, और उसमें हम जैसा एग्ज़ाम में पास होते वैसा ये इसमें हमने पास हुआ। इसलिए जो भी वो कमेटी नियुक्त की गई थी कमिश्नर के माध्यम से, वो कमेटी ने सर्वे किया और सर्वे में जो भी कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने अच्छा सर्वे किया, और जो जो काम हमने किया वो लोगों के सामने है और वो कमेटी ने देखा, इसलिए हमें प्रथम पारितोषिक दिया है। एक वर्ष में आपने क्या क्या कार्य अपने वार्ड में किए हैं और आने वाले 4 वर्षों में कौन से कार्य आप करने वाले हैं? नहीं, एक साल में जितना चाहिए उतना कार्य तो नहीं हुआ है, लेकिन जो आगे पर अगले साल जो पिछले 5 साल पहले परिस्थिति थी वो सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम हमने किया है। एक साल में साफ सफाई का काम होगा, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, पानी का विषय अच्छी तरह से लोगों को पानी मिलना चाहिए वो भी कोशिश हमने की है, और साफ सफाई के बारे में आज भी लोग बोलते हैं कि साफ सफाई इस वार्ड में अच्छी है। उसका कारण ये है कि हम खुद और हमारे SI जो हमारे चारों नगर सेवक है वो साथ में मिलकर एक साथ में काम करते हैं। रोड का काम है जो विट्ठलवाड़ी हड़कमाई माता चौक से लेके काजल पेट्रोल पंप से मशान भूमि तक वो रोड बनाने का काम हमने किया। देवस मार्बल से लेके जो रोड अंदर जाता था सरस्वती नगर के उधर बहुत गंदगी थी, लोग पैदल क्या ऐसा चल नहीं सकते थे, वो रोड को बनाने का काम मैंने किया। भावजी नगर का रोड है वो भी बनाया, आधे में थोड़ा बाकी, वो भी आगे जो कमिश्नर साहब है निधि नहीं है, फंड नहीं है, महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, इसकी वजह से रहा है, लेकिन वो भी काम हम कर रहे। साथ ही साथ में जो भी नगर सेवक निधि है, प्रभाग समिति निधि है, उसमें से CC पैचे ड्रेन बनाने का काम शुरू है, पानी की लाइन्स डालने का काम हमने किया है, रोड बन गए है, एक रोड हमारा रह गया है शांति नगर से लेके पवई तलक का, वो रोड भी MMRDA के माध्यम से सीमेंट कॉन्क्रीट का बनाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करेंगे। टॉयलेट का प्रॉब्लम है, जो 5-6 टॉयलेट है पुराने बने हुए हैं उनको रिपेयर करना है, किसी को डिमोलिशन करके नया बनाना है, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे सभी चारों नगर से कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो फेस्टिवल है, वो करने का काम इस वार्ड में हमेशा हम लोग करते हैं, और उसके माध्यम से आने वाले 4 साल में इस वार्ड का अच्छा विकास कैसा हो। खन्ना कंपाउंड का रोड खासदार डॉक्टर सिंधे उनके निधि से 15 लाख रुपए का रोड का काम हमने किया, बचा हुआ थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी ये फंड में जो स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य करके निधि है वो निधि में से मैंने हाथ में लिया हुआ है। भावजी नगर का रोड हाथ में लिया हुआ है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आने वाले 5 साल में सभी रोड अच्छे हो जाएंगे और लोगों को जो सुविधा चाहिए वो देने का प्रयास हम कर रहे हैं, और वार्ड का विकास यही हमारा कर्तव्य है, काम है, वो करने का कोशिश हम
चारों नगर सेवक शिवसेना के हैं, चारों सर नगर सेवक मिलकर हम कर रहे हैं। अभी चौधरी जी ने डॉक्टर शिंदे जी का जिक्र किया। डॉक्टर शिंदे जी ने एक सवा साल पहले कहा था कि बोट क्लब गार्डन, जो अब पैनल नंबर 10 राजेंद्र चौधरी जी के पैनल में आता है, उसका विकास करेंगे। आइए चौधरी जी से जानते हैं इस संदर्भ में उन्होंने आगे क्या कार्य किया है। खासदार जी को हमने इस बोट क्लब के बारे में एक विजिट करवाई थी और उन्होंने देखा था कि ये बोट क्लब बहुत अच्छी जगह है, ये डेवलप होनी चाहिए, उल्लासनगर वासियों के लिए ये काम में आनी चाहिए। उल्लासनगर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गार्डन है या कोई बोट क्लब है कि नहीं है, इसलिए ये होगा तो बहुत अच्छा होगा और लोगों को, पूरे शहर के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा खासदार जी को हमने बताया था। खासदार ने हमारा खासदार निधि देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे कॉरपोरेशन ने यानी पिछला जो बजट हुआ है उस बजट में उसके लिए प्रोविज़न किया है, लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए दिक्कत एक ही है कि यह कमिश्नर थोड़े निधि न होने के कारण, महापालिका का आर्थिक स्थिति बरोबर नहीं होने के कारण कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब को कि जो अच्छे कोई अपन कर सकते हैं काम, लोगों को, लोगों से टैक्स वसूलते हैं तो लोगों को अच्छी सुविधा देना चाहिए, अपना कर्तव्य है। तो ये एक बोट क्लब का अगर अपन काम करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छी सुविधा होगी और वो देने का काम कमिश्नर आप, कमिश्नर साहब आप करिए, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से। तो और ये बोट क्लब की खाली एक अड़चन है कि ये बोट क्लब है, ये महाराष्ट्र शासन की जगह है, वो महाराष्ट्र शासन की जगह जल्द से जल्द महानगर पालिका के ताबे में देने के लिए हमने प्रयास किया है। खासदार साहब से भी हमने बात की है, पिछले जो कलेक्टर थे कल्याणकर साहब, उन्होंने भी ये वादा किया था कि हम जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन की जो भी प्रॉपर्टी उल्लासनगर महानगर पालिका में वो हैंडओवर करेंगे, लेकिन उनकी बदली हो गई, नए कलेक्टर साहब आए, उनसे बात करके, प्रांत साहब से बात करके, कमिश्नर साहब से बात करके ये जल्दी से जल्दी ये उल्लासनगर के हाथ में ये प्रॉपर्टी आती है तो उसका विकास करना अच्छा होगा और विकास होगा और विकास होने के बाद में लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वैसे जितने भी महापौर चुनाव मैदान में उतरे हैं, महापौर पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उन्हें कॉरपोरेशन चुनाव में हार ही नसीब हुई है, पर राजश्री राजेंद्र चौधरी सिर्फ एकमात्र नगर सेविका हैं जो पूर्ण नगर सेविका चुनी गई, इसका प्रमुख कारण चौधरी जी क्या मानते हैं, आइए जानते हैं। मैं तो पहले ये सभी इस वार्ड के जो रहवासी है, जो भी मतदाता है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शिवसेना और राजेंद्र चौधरी, चौधरी फैमिली के ऊपर जिए जान से जो प्यार किया है, जिए जान से जो सपोर्ट किया है, उसलिए उनका मैं फिर एक बार आपके माध्यम से शुक्रगुजार हूँ। महापौर पद दिया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद दिया, खुद मुझे शिवसेना पार्टी का प्रमुख पद दिया, ये वार्ड वासियों ने नाते मुझे मिला है, मैं उनका आभार मानता हूँ। उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा, ये याद रहेगा मुझे कि मेरे एक लाइफ में मुझे इधर के लोगों ने सब कुछ दिया। राजेंद्र चौधरी जी और उनका परिवार ऐसे ही वार्ड, अपने वार्ड और शहर के लिए कार्य करते रहेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। टीवी के साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। सिर्फ आपको YouTube पे सर्च करना है टीओ के जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनादेश।